और जैसा हम जी बिजनेस पर लगातार अलग अलग अपने शोज के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के तमाम अलग अलग तबकों पर कोरोना की मार किस तरह से पड़ी है, और हमने शुरू से ही एक जो खास तबके की बात की है वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना की मार किस तरह से पड़ी है, उसमें क्या नुकसान होने का अनुमान है, कितनी नौकरियां जाने का खतरा है, इस पर हमने लगातार बात की है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को लेकर। और इस सेक्टर को उभारने के लिए अब इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। ये सुझाव क्या हैं और इनसे कितनी राहत मिलने की उम्मीद है, ये बताएंगे मेरे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, बताइए ये इंडस्ट्री को उभारने के लिए फिक्की के रिकमेंडेशंस हैं या किसी तरह का एग्जिट प्लान टाइप का है, ये क्या है? देखिए, फिक्की ने आज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने काफी सुझाव दिए हैं कि कैसे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो काफी समय से जूझ रहा है उसको कैसे हम एक तरह से रिवाइव कर सकते हैं और कैसे वापस ये एक स्पीड पकड़ सकता है, क्योंकि हम देखें तो 22 मार्च से सारी फ्लाइट डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो वो बिल्कुल बंद हुई हुई है। तो उसका यह मतलब है कि इन्फ्लो टूरिस्ट का बिल्कुल नहीं हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो। तो जो मुख्य सुझाव फिक्की ने जो सबमिट करे हैं, सबसे बड़ा सुझाव उसमें है टैक्स हॉलीडे को लेकर। तो पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए फिक्की ने ये रिकमेंड करा है कि FY 19 और 20 जो है पूरी इंडस्ट्री को एक टैक्स हॉलिडे दिया जाए, उसमें बिल्कुल भी जीएसटी ना दिया जाए, ना ही आईटीआर उनको कहा जाए कि फाइल करें, और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें और कैसे डोमेस्टिक टूरिज्म को सपोर्ट करें उसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट जो भी जिस भी लोकेशंस पे जाए उनको एक 1.5 लाख तक की सालाना लीव ट्रैवल अनाउंसमेंट दे। तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है अगर ये सरकार इसको सुनती है। इसके अलावा फिक्की ने सजेस्ट करा है कि जितनी भी SMEs हैं पूरी इंडस्ट्री में उनको 5 साल तक का कोलैटरल और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, और जो करंट वर्किंग कैपिटल है और जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है और जितना भी ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसमें 1 साल के मोरेटोरियम दिया जाए ताकि इंडस्ट्री वापस इकोनॉमिकली एक स्पीड अपनी पकड़ सके। और दूसरे हाथ पर फिक्की के सुझाव ऑनलाइन टूरिस्ट और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को लेकर भी है, और उन्होंने एक सुझाव दिया है कि OTAs को शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। और जहां तक जीएसटी की बात आती है, पूरी इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो अलग अलग तरह का जीएसटी लगता है, और फिक्की के सुझाव के अकॉर्डिंग पूरी वो चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को इस साल कम से कम 5-6% का ही जीएसटी वो चुकाएं। और यानी कि लोन पर मॉरिटोरियम हो, कर्मचारियों को सैलरी देने की बात हो, एसजीएसटी हो, जीएसटी हो, ट्रैवल एजेंट्स को शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात हो, ये तमाम सुझाव जो हैं फिक्की ने सरकार को दिए हैं ताकि टूरिज्म सेक्टर को उभारा जा सके, क्योंकि डे वन से टूरिज्म सेक्टर पर सबसे इनिशियल मार टूरिज्म सेक्टर पर पड़ी थी और उसको उभारने के लिए ये सुझाव फिक्की की तरफ से आए हैं। इन पर सरकार कितना मंथन करती है ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए।